हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाव गार्डनिंग। तो बहुत दिनों से दोस्तों रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपके जो टेरेस गार्डन पे ये लिली का प्लांट लगा हुआ है, वाटर लिली का जो प्लांट लगा हुआ है, तो आप इसके बारे में केयर वीडियो बताइए। प्लांट की फुल केयर शेयर करूँगा। तो बेसिकली आप जो देख रहे हैं, ये जो टाइम दोस्तों अब इवनिंग का हो गया है, वैसे बेसिकली मुझे जो शूट है मैं मॉर्निंग में करता हूँ, और करना भी मुझे मॉर्निंग में चाहिए क्योंकि जो लाइट है वो काफ़ी अच्छी आती है। बट इस समय दोस्तों गर्मियाँ ज़्यादा तेज़ पड़ने लग गई हैं और सुबह जो शूट करना है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और शाम को भी दोस्तों कई बार काफ़ी तेज़ गर्मियाँ होती हैं तो उस टाइम भी थोड़ा शूट करने में प्रॉब्लम होती है। और ये जो लिली है अभी खिली हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आपके लिए फटाफट से एक वीडियो बना लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्लावर की, क्योंकि ये जो फ्लावर आप देख पा रहे हैं ये मैंने एक छोटे से पाउंड पे लगाया हुआ है। ये मेरे पास वेस्ट मटेरियल पड़ा था, जैसे कि आपको मालूम है ज़्यादातर मैं DIY मटेरियल पे ही अपने जो है गार्डनिंग करने का करता हूँ, तो मैंने इसको भी यूज़ किया है। तो ये मैंने छोटा सा लगाया हुआ है अपने टेरेस गार्डन पे। और ये जो मैं लिली बता दूँ दोस्तों, ये जो लिली लगी हुई है ये हल्की सी पिंकिश टाइप का कलर है। और यहाँ जो आप एक और ये लिली देख रहे होंगे, ये आर्टिफिशियल लिली है, मेरे पास पड़ा हुआ था एक बॉटल, उसके साथ मैंने इसको थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव किया है ताकि ये वेस्ट ना जाए मटेरियल। और ये एक एसिड की बॉटल है, उससे मैंने इसे बनाया था। तो ये आर्टिफिशियली है, जब इसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं तो ये कवर अप कर लेता है। तो अभी हम बात करते हैं इस फ्लावर की। तो बेसिकली मैं बताऊं, लिली के तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, कलर ऑप्शन, और इसमें काफ़ी सारे मिल जाते हैं आपको। वाइट मिल जाएगा आपको, इसमें ब्लू भी मिल जाएगा, येलो मिल जाएगा, तो काफ़ी सारे आपको कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, रेड ऑरेंज। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास ये हल्का सा पिंकिश टाइप का कलर है, और जब ये काफ़ी इसमें जब धूप कम पड़ती है ना, जब जैसे अभी समर्स का टाइम चल रहा है, अगर समर्स का टाइम नहीं होता है तो उस टाइम थोड़ा सा ये डार्क पर्पल कलर का निकल के आता है, तो काफ़ी प्यारा लगता है देखने में। और इस फ्लावर की सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि ये ऐसे लिली है, ये मेरे पास जो है ट्रॉपिकल लिली का प्लांट है, इसमें ये हार्डी लिली है, तो दो तरह की वैरायटी आती है, तो आप वो अपने हिसाब से लगा सकते हैं एरिया में, आपके कौन से सूटेबल है आप नेट में फुली इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये जो मेरा फ्लावर है दोस्तों, ये 3 डेज फ्लावरिंग करता है। माने मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी ये शाम हो रही है तो अब इसे धीरे धीरे करके जो इसके पेटल्स हैं ये क्लोज़ हो जाएगा, ऐसा पूरा ये बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग से ये फिर से स्टार्ट करेगा खिलना, तो इसके अंदर जो काफ़ी लेयर्स आपको देखने के लिए मिल रही होंगी, तो ये जो लेयर्स है दोस्तों ये धीरे धीरे करके डे बाई डे बंद होने स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले ये पूरा खिल के आता है दोस्तों अंदर तक, जो आप ये ऑरेंज पार्ट देख रहे हैं ना ये भी खिलता है, फिर इसके बाद थोड़ा सा इसका कवर अप होता है और ये धीरे धीरे करके फिर बंद होने लगता है। अब आप देख रहे हैं कि इवनिंग का इफेक्ट जो है फ्लावर पे धीरे धीरे देखने के लिए आने लग गया। जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा था तब ये पूरा खिला हुआ था। तो अभी हम बात करते हैं दोस्तों कि इसके जो बर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर आपको प्रॉपर दिखा पाऊँ तो ये छोटे छोटे से आपको जो बर्ड्स दिख रहे हैं ना, ये ही दोस्तों कुछ दिन में फ्लावर बनेंगे, जब ये हट जाएगा फ्लावर या हमें इसे हटाना पड़ेगा। अब जैसे कल इसका लास्ट डे है फ्लावरिंग का, क्योंकि ये मैं इसको वॉच कर रहा हूँ, 2 से 3 दिन इसको हो गया है फ्लावरिंग करते हुए, तो अब इससे ज़्यादा ये नहीं खिलेगा। तो इस जैसे कि अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भी फ्लावरिंग करके अब बंद हो चुका है, तो ये अपने आप दोस्तों ना डी शेप होने लगता है। देखिए कितना सा ये कितना लचीला सा हो गया है, तो इसको आपको यहाँ से ऐसे निकाल देना पड़ता है। अब मॉर्निंग में मैं ऐसे करूँगा, और अब अगर इसको नहीं निकालते हैं तो काफ़ी पावर फिर ये लेने लगता है, दूसरा जो आपका बर्ड है वो नहीं निकल पाता, तो आप इसको जो है प्रॉपर निकालते रहिएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इसकी लीव्स की दोस्तों, तो देखिए काफ़ी आपको अलग अलग तरह की लीव्स दिखेंगी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ वेरीगेटेड लीव्स हैं, है ना, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, और कुछ जो लीव्स होती हैं वो पीछे की तरफ से वेरीगेटेड होती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये काफ़ी अच्छी बात है इस प्लांट में कि आपको वेरिगेशन भी देखने के लिए मिलता है जब जब आपकी फ्लावरिंग्स नहीं हो रही होती हैं, तो दोनों तरफ से ये आपके गार्डन को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देता है। तो मेरे पास ये इसका एक और ऑप्शन है, येलो वर्जन है, येलो कलर का है, तो ये भी कुछ दिनों में ही फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस प्लांट में ये आती है कि इसमें काई बहुत लगती है दोस्तों, जिसको अपन एल्गी बोलते हैं, वाटर एल्गी। अब जैसा कि आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे, तो ये मैं टाइम टू टाइम रिमूव करते रहता हूँ, इसमें कोई बहुत हेडेक की बात नहीं है। अगर आप इसे टाइम टू टाइम हटाते रहेंगे तो आपका जो वाटर पाउंड है ये क्लियर रहेगा, या तो आप इसमें फिश भी डाल सकते हैं ताकि इसमें मच्छर वगैरह नहीं हो और जो एल्गी वगैरह है वो उसको ख़त्म कर दे। पर समटाइम्स क्या होता है कि
किसी का अगर ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ पे प्लांट के बीच में लगा हुआ है, ये गार्डन में लगा हुआ जहाँ थोड़ा शेड है, तो वहाँ तो ये अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और फिश भी जो है उसमें चलती रहेंगी। और अगर आप ऐसे टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आप फुल डे आप जो है फिश को ऐसे रख नहीं सकते, क्योंकि इसका जो वाटर टेम्परेचर है ये काफ़ी गर्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी फिश आपकी, तो आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ इसकी दोस्तों कि अब इसमें अपन इसको लगा दिए हैं तो वाटरिंग कैसे करनी, वाटरिंग रिक्वायरमेंट कैसी होती है इसकी। तो पहले दोस्तों मैं क्या करता था कि इसकी जो हफ्ते भर में इसका पानी चेंज कर दिया करता था और इसमें न्यू वाटर ऐड कर देता था, बट अभी जो मुझे समझ में आया है कि इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती ज़्यादा बार बार आप इसका पानी चेंज करिए। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, अगर करना चाहते हैं तो उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि बार बार दोस्तों इस प्लांट्स को निकालना है इसके अंदर से, फिर इसमें नया वाटर करना, फिर पूरे आप इसको साफ़ करना पॉन्ड को, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, टाइम भी काफ़ी लगता है। तो अगर जिसके पास टाइम है तो वो बेशक इसको कर सकता है, नहीं तो आप इसमें रोज़ थोड़ा सा, जैसे समर्स का टाइम चल रहा है तो वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है, अपने आप इसका जो वाटर लेवल है वो कम हो जाता है, तो आप उसे जब भी पानी देते हैं फिलअप कर दिया करिए, तो वो इसी तरह अपने अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा। मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूँ दोस्तों इसकी लाइटिंग कंडीशन कैसे रखनी है अगर आप इसे लगा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इसको टेरेस गार्डन में अपने लगाया हुआ हूँ, तो इसमें तो फुल डे सनलाइट की काफ़ी रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है इसको, क्योंकि जो फ्लॉरिंग प्लांट होता है उसको मोस्टली 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए होती है, और वाटर लिली को दोस्तों इतनी रिक्वायरमेंट होती ही होती है। और कोई भी आप जो फ्लॉरिंग प्लांट्स लगाएंगे उसको आपको शेड में अगर आप लगा देंगे तो उसकी ग्रोथ तो होगी और उसमें ग्रीन पत्ते भी काफ़ी आएंगे, लीव्स आएंगी, बट जो उसकी फ्लॉरिंग है वो नहीं आएगी। कई बार फ्लॉरिंग होगी भी तो उसके जो बर्ड्स हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि आपको इसको ऐसी जगह प्लेस करना है जहाँ पे ब्राइट लाइट हो, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती हो इसे, मॉर्निंग की लाइट पड़ेगी तो और अच्छी बात है। अगर जब एक्सट्रीम कंडीशन जाती है, काफ़ी गर्मियाँ पड़ जाती हैं, थोड़ा सा आप इसको शेड प्रोवाइड करा सकते हैं कुछ दिनों के लिए, या आप ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे सुबह की जिसको है लाइट पड़ जाए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ब्राइट लाइट पर रहे, डायरेक्ट सनलाइट पर ना रहे, मेरा कहने का ये मतलब है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की बहुत इजी है दोस्तों, आपको करना क्या है कि इसको हर 15 दिन के इंटरवल में, जैसे आप सारे अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करते हो, फीड करते हो, तो उसमें आपको करना क्या है, इसमें एक छोटा सा दोस्तों आपको कपड़े का टुकड़ा लेना है और उसके अंदर कुछ दाने जो दोस्तों DAP के, कुछ दाने दोस्तों इसमें NPK के ऐड करना है। आपके पास अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट है तो आप उसका को भी ऐड कर सकते हैं, और बस उसके छोटे से ऐसे उसको पॉकेट जैसे बना के इसमें साइड पे ऐसे कहीं दबा देना है, तो उससे क्या होगा कि स्लो रिलीजिंग होने के कारण आराम से ये धीरे धीरे आपके पूरे प्लांट्स में आ जाएगा और आपका जो फ्लावर है वो धीमे धीमे आराम से वो ग्रो करता रहेगा, क्योंकि इसमें बेसिकली आप ऊपर से किसी भी तरह फर्टिलाइज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर से अगर आप फर्टिलाइज़ करेंगे लिक्विड या फिर सॉलिड तो ये जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा इसमें, इसलिए ये जो प्रोसेस होती है इसकी थोड़ा सा डिफरेंट होती है फर्टिलाइज़ करने की। तो आई होप आप जो है ये प्रोसेस को समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों कि इसके जो लीव्स होते हैं इसको भी आप रिमूव करते रहिएगा टाइम टू टाइम, क्योंकि फिर ये ओवर पावर लेती रहती हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इसकी जो लीव्स है येलोश हो गई है, तो मैं इसको इसके जो ग्रोइंग एरिया है, ग्रोइंग पॉइंट है, वहाँ से इसको कट दूँगा ताकि ये फिर यहाँ से ये अलग हो जाए और मैं इसको अलग कर दूँगा, क्योंकि फिर इसके जगह से दोस्तों नई ग्रोथ देखने के लिए आपको मिलेगी। फिर जब नई ग्रोथ होगी दोस्तों तो वहाँ से और नए नए लीव्स आएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नए लीव्स आ रही है अभी, कल ये धीरे धीरे करके खुलेगी और काफ़ी बढ़ती जाएगी। तो आप ये ज़रूर करते रहिएगा, अगर थोड़ा सा इसमें आप ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि इतनी अच्छी आपके प्लांट में फ्लॉरिंग ना आए। और फीडिंग तो दोस्तों इसको ज़रूरी हर 15 दिन में एक दिन करना, वो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों प्रोपेगेशन की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हर जगह ये नहीं मिल पाता है और कुछ जगह अगर आपको ये देखने के लिए मिल जाता है तो आप इसे प्रोपेगेट कैसे कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चंस आता है मेरे पास। तो मैं आपको इजी मेथड बता देता हूँ दोस्तों उसको प्रोपेगेट करने की। जनरली इसकी 2 से 3 मेथड होती है। सबसे पहले मेथड तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इसकी लीव्स होती हैं दोस्तों, इसमें कुछ में दोस्तों आपको यहाँ पर टिप देखने के लिए मिलेगी, आप ये देख पा रहे हैं ऊपर, ये ऊपर से जो उठा हुआ हिस्सा रहता है ना, अगर आप इस हिस्से को काट के भी पानी में कुछ दिन तक के लिए रखेंगे तो यहाँ से रूट्स ग्रो करने लगेंगे, और नए लीव्स के साथ अगर आप करेंगे जिसमें ऊपर ये उठा हुआ हिस्सा आपको देखने के लिए मिलेगा तो फिर वो जल्दी से ग्रो करेंगे। अगर आप ओल्ड लीव लेंगे तो हो सकता है उसकी एज हो गई हो और फिर वो सर्वाइव ना कर पाए लीव, तो आप इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा।
और सेकंड आता है इसका मेथड कि आप इसको रूट्स के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। जैसे किसी के यहाँ काफ़ी बड़ा सा प्लांट है तो वैसे तो ये निकल नहीं पाता है इतना ईजिली, तो आप जो है इसको इससे लीव से ग्रो करने की कोशिश कीजिएगा, या तो फिर आप इसका क्राउन लेके आ जाइएगा। इसका क्राउन बन जाता है दोस्तों जब ये मैच्योर हो जाता है प्लांट, तो अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर के यहाँ या फ्रेंड के यहाँ लगा है तो आप उनसे बोल सकते हैं, आप उसको ला के लगा देंगे तो ईज़िली ये जो है आपके गार्डन पर हो जाएगा। तो ये कुछ सिंपल सी दोस्तों मेथड होती हैं इसको लगाने की। अगर आपने अपने घर पे लगाया है तो आप इस तरह केयर करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके गार्डन में भी ये फ्लोरिंग करेगा। ना सिर्फ कि आपको पाउंड बनाने की ज़रूरत है, आप कम स्पेस पे भी इसको लगा सकते हैं और इजीली फ्लोरिंग इसकी पा सकते हैं। तो दोस्तों बस यही केयर होती है इसकी लिली को लगाने की, वाटर लिली को लगाने की, ग्रो करने की। आई होप दोस्तों मैंने जो आपको प्रोसेस बताई है आपको समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है आपको करना है वीडियो को लाइक, करना है शेयर और चैनल कर देना है सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोज़ पर किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।